हेलो किड्स, हमारी आज की स्टोरी है दोषारोपण से पहले। एक दिन एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि यात्रियों से भरा एक जहाज चट्टान से टकराकर डूब गया और उसमें मौजूद सभी यात्री भी डूब गए। वो आदमी समुद्र तट से सब कुछ एक असहाय की भांति देखता रहा। वो उन्हें बचाने में असमर्थ था। शाम के समय उसने अपने दोस्तों को जहाज के डूबने की पूरी घटना कह सुनाई। वे सभी उन मृत लोगों के लिए दुखी थे। उनमें से एक दोस्त बोला, भगवान ने ये बड़ा अन्याय किया, उसने एक जहाज के साथ अनेक निर्दोष लोगों को भी मार दिया। यह कहते समय उसे अपने पैर में कुछ चुभन सी महसूस हुई। उसने नीचे देखा कि लाल चींटियां उसके पैर पर काट रही हैं। उसके आसपास काफी सारी अन्य चींटियां भी थीं। गुस्से में उसने अपने पैर को पटकना शुरू कर दिया, जिस वजह से कई सारी चींटियां उसके पैर के नीचे दबकर मर गईं। अचानक भगवान प्रकट हुए और बोले, देखो किस प्रकार तुमने एक चींटी के लिए कई निर्दोष चींटियों की हत्या कर दी और तुम मुझे अन्याय के लिए दोष दे रहे हो। दूसरों को दोष देने से पहले अपने दोष देखो। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया।